अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मैं हूं सनम नवाज़ और आप देख रहे हैं ई साइंस स्कूल चैनल आज हम नाइन्थ की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फोर जो है उसका टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप ठीक है माइक्रोस्कोप की कितनी टाइप्स होती हैं माइक्रोस्कोप की टू टाइप्स होती हैं कितनी टू टाइप्स होती हैं कौन सी एक होती है लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरी होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ठीक है एक होती है लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरा होता है कौन सा अक्सा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अब लाइट माइक्रोस्कोप वर्ड इट्स बता रहा है कि इस माइक्रोस्कोप में, में क्या यूज़ होंगी इसके क्या अहम पॉइंट्स हैं लाइट माइक्रोस्कोप के कि ये विजिबल लाइट यूज़ करेंगे क्या यूज़ करेंगे ये वो माइक्रोस्कोप हैं जो क्या यूज़ करेंगे विजिबल लाइट यूज़ करेंगे को यूज़ करेंगे क्यों In order to detect and magnify the image, magnify the image, ठीक है उसके अलावा क्या इसके फंक्शन है कि ये विजिबल लाइट यूज करते हैं एक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए या मैग्नीफाई करने के लिए ठीक है और जो ऑब्जेक्ट होता है लाइट माइक्रोस्कोप में इस प्लेस्ड क्लोज टू माइक्रोस्कोपिक लेंस फंक्शन जो है वो इसका डिपेंड्स ऑन एबिलिटी ऑफ लेंस नंबर ऑफ ठीक है देखिए लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो क्या यूज़ करेगा विजिबल लाइट को यूज़ करेगा इन ऑर्डर टू डिटेक्ट एंड मैग्नीफाई द इमेज एक इमेज को बड़ा दिखाने के लिए लाइट माइक्रोस्कोप क्या यूज़ करेगा लाइट का इस्तेमाल करेगा विजिबल लाइट का इस्तेमाल करेगा ठीक है और इसमें क्या होता है जो ऑब्जेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा क्लोजली हम रखते हैं किसके माइक्रोस्कोपिक लेंसेस के बहुत ज़्यादा क्लोज रखते हैं इन ऑर्डर टू सी द इमेज दूसरा इसका फंक्शन जो है वो किस पे डिपेंड करता है इसका फंक्शन डिपेंड करता है ऑन द एबिलिटी ऑफ लेंसेज टू फोकस द बीम ऑफ लाइट देखें इसमें लाइट हो रही है ठीक है यूज़ तो इस लाइट को जितना फोकस करेगा कौन लेंसेज जितना फोकस करेंगे उतना इमेज जो है वो या उतनी आ, जो फंक्शन है वो उसका किस पे डिपेंड करता है कि जिस लेंसेज़ की एबिलिटी पर कि वो कितना फोकस करते हैं विज़िबल लाइट को और दूसरा इसकी मैग्नीफ़िकेशन जो है वो डिपेंड किस किस पे करती है नंबर ऑफ लेंसेज़ पे कि आप कौन सा इसका नंबर जो है वो लेंस का यूज़ कर रहे हैं ठीक है मुख्तलिफ़ अकसाम के लेंसेज़ होते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोर एक्स होता है टेन एक्स होता है एंड फोर्टी एक्स तो इस तरह आप डिपेंड uh, करता है कि लेंस किस नंबर का यूज़ हो रहा है तो मैग्नीफिकेशन पावर भी उस पर डिपेंड करती है अब लाइट माइक्रोस्कोप भी कितने अक्साम के होते हैं दो अक्साम एक होता है सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप ठीक है एक होता है सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप जो है वो उसकी मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो मैग्नीफिकेशन पावर जो है वो क्या है लो है क्यों लो है क्योंकि वो वन लेंस यूज करते हैं वो कौन से कितने लेंस यूज करते हैं वन लेंस यूज करते हैं ठीक है जबकि दूसरा अकसाम जो है इसका वो है कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप ठीक है एक होता है लाइट माइक्रोस्कोप के दो अकसाम होते हैं एक होता है सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरा होता है कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो कम है क्यों कम है क्योंकि उसमें एक लेंस यूज़ होता है बन नस्बत कम्पाउंड लाइट माइक्रोस्कोप के उसमें कितने लेंस यूज़ होते हैं उसमें टू लेंस यूज़ होते हैं ठीक है थीके? इसी वजह से उसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो क्या है हाई है अब वो दो लेंस कौन से इस्तेमाल होते हैं वो दो लेंस होते हैं फॉर एग्जांपल वन इज़ ऑब्जेक्टिव एंड सेकेंड वन इज़ ऑक्यूलर और आई पीस जो ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं वो कौन सा इमेज देते हैं रियल और एक्चुअल इमेज दिखाते हैं जबकि ऑक्यूलर और आई पीस जो होता है वो आपका कौन सा इमेज दिखाता है वर्चुअल इमेज यानी जो आपकी आँख देख रही है वो एक्चुअल इमेज नहीं होता वो इन और उसकी जो रेजोल्यूशन है वो रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है वो इमेज आप देख रहे हैं जो मैग्नीफाई होकर आप देख रहे हैं और जो ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो फेस कर रहे होते हैं स्पेसमेंट को वो एक्चुअल और रियल इमेज को फिर हम किस तरह देखते हैं वर्चुअल यानी वो एक्चुअल इमेज नहीं होता वो इन लार्ज इमेज होता है किसकी बिना पर देख रहे हैं हम आई पीस की वजह से जो हमें दिखाई दे रहा है ठीक है अब हम पढ़ेंगे कि हम लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन को किस तरह हासिल कर सकते हैं ठीक है हम मैग्नीफिकेशन पढ़ कर आए हैं कि ये क्या है क्वालिटी है किसकी माइक्रोस्कोप की कि किस तरह वो इमेज को लाश करके दिखाता है अब मैग्नीफाइंग जो पावर है हम कैसे हासिल करेंगे मैग्नीफिकेशन पावर को हम क्या करेंगे जो ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन है किसकी ऑब्जेक्टिव लेंसेज की मैग्नीफिकेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ आई पीस की मैग्निफिकेशन के साथ ठीक है हम क्या करेंगे लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन को किस तरह हासिल करेंगे ऑब्जेक्टिव लेंसेज की मैग्निफिकेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ आई पीस की मैग्निफिकेशन के साथ फॉर एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन है फोर एक्स टेन एक्स एंड फोर्टी एक्स ठीक है और आई पीस की जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो क्या है टेन एक्स ठीक है अब हम क्या करेंगे टोटल मैग्नीफिकेशन हासिल करने के लिए हम मैग्नीफिकेशन ऑफ आई पीस को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंसेज के साथ फॉर एग्ज़ाम्पल हम फोर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है हमारे पास फोर्टी ठीक है फोर्टी एक्स देन अगेन टेन के साथ तो क्या मिलेगा हंड्रेड एक्स देन फोर्टी के साथ तो फोर हंड्रेड एक्स ठीक है इट मीन्स के मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ए लाइट माइक्रोस्कोप इज़ फोर्टी एक्स हंड्रेड एक्स आर मे बी फोर हंड्रेड एक्स इसका मतलब है कि हम चालीस गुना सौ गुना या चार सौ गुना ज़्यादा इमेज को बड़ा करके देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप ठीक है जो सेकेंड टाइप है माइक्रोस्कोप की वो कौन सी है फर्स्ट हमने पढ़ी लाइट माइक्रोस्कोप जो विजिबल लाइट यूज़ करता है और जो सेकेंड टाइप है माइक्रोस्कोप की वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अब वहाँ लाइट माइक्रोस्कोप नाम बता रहा था कि वो उसमें क्या यूज़ होगी विजिबल लाइट यूज़ होगी इन ऑर्डर टू मैग्नीफाई द इमेज और इसमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी नाम इस क्लियर नाम बता रहा है कि इसमें क्या यूज़ होगा बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ होंगे वहाँ बीम ऑफ विजिबल लाइट यूज़ हो रहा था और यहाँ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ हो रहे हैं एट द प्लेस ऑफ लाइट लाइट की जगह क्या यूज़ हो, हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स यूज़ हो रहे हैं इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स हैव मच शॉर्टर वेवलेंथ इनकी इलेक्ट्रॉन्स की जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा कम है शॉर्ट है और यही शॉर्टेज जो है वो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ शॉर्ट होने के बिना पर ये क्या दे करता है इट अलाउज़ टू प्रोड्यूस मच हायर रेजोल्यूशन इसकी शॉर्टर वेवलेंथ की वजह से ही हमें जो रेजोल्यूशन पावर मिलती है इलेक्ट्रॉन uh, माइक्रोस्कोप की वो बहुत ज़्यादा मिलती है बनस्पत लाइट माइक्रोस्कोप के जो कि कम रेजोल्यूशन पावर देता है ठीक है और इसकी रेजोल्यूशन पावर कितनी है इसकी रेजोल्यूशन पावर है पॉइंट नैनोमीटर ठीक है मीन्स पॉइंट नैनोमीटर पर भी इतने कम डिस्टेंस पर भी अगर कोई इमेज या कोई टू ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो यूँ इस पोजीशन में मौजूद है तो भी अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो आपको कैसे दिखाएगा जैसे वो सेपरेटली जो है मौजूद हो मतलब वो इस तरह आपको दिखाएगा कि वो देखने में आएंगे कि वो सेपरेट पड़े हुए हैं जबकि वो कितने डिस्टेंस में होंगे पॉइंट टू निनोमीटर इतने करीब होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ये क्वालिटी है कि वो आपको क्लैरिटी देगा किसकी उन दो करीब पड़े इमेजेस की ठीक है और उसकी मैग्नीफ़िकेशन पावर क्या है मैग्नीफिकेशन पावर है अप टू टू लेख फिफ्टी थाउजें टाइम जबकि हमने लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर पढ़ी थी वो कितनी थी फोर हंड्रेड टाइम यानी चार सौ गुना ज़्यादा बड़ा इमेज करके हमें दिखने में आएगा किसकी वन इस पर लाइट माइक्रोस्कोप जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमें इमेज जो है वो कितना बड़ा दिखने में नज़र आएगा टू लेक्स फिफ्टी थाउजेंड्स टाइम मच बिगर देन द एक्चुअल इमेज ठीक है और इसमें क्या है कि हम सिर्फ सेल्स को ऑब्जर्व नहीं कर सकते इसमें हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स या कंपोनेंट्स हैं उसको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं फॉर एग्जांपल वायरसेस हैं ठीक है इनको भी हम जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जबकि वायरसेस को हम लाइट माइक्रोस्कोप पर नहीं देख सकते हम इनको किस पर देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करके हम सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स को भी देख सकते हैं अब इसका एक डिसएडवांटेज है ठीक है इतने सारे एडवांटेजेस के होने के बाद इसका डिसएडवाटेज इस डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें हम लाइव सेल्स नहीं देख सकते हम सेल्स जो देखेंगे वो क्या होंगे डेड होंगे ये एक एक इसका जो है ड्रॉबैक हम कहें इसमें हम लाइव सेल्स नहीं देख सकते बल्कि सेल्स जो होंगे वो कौन से होंगे डेड होंगे ठीक है लाइव सेल्स का इमेज नहीं मिलेगा हमें इसमें और इसके टू टाइप्स हैं नंबर वन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और नंबर टू ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की दो अकसाम हैं नंबर वन स्कैनिंग माइक्रोस्कोप और दूसरा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कितनी अकसाम हैं टू अकसाम है कितनी अकसाम है टू टाइप्स हैं स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ठीक है अब स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या होता है उसमें वो एक ऐसा प्रोसेस उसमें क्या होता है स्पेसमेंट जो है स्पेसमेंट टू बी स्कैन इज कोटेड विथ हैवी मेटल एंड देन फोकस्ड विथ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो स्पेसमेंट जो ऑब्जर्व किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ स्कैनिंग माइक्रोस्कोप उसको क्या किया जाता है कोट किया जाता है विथ हैवी मेटल्स उसके बाद बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो पास किया जाता है एक शोला पास किया जाता है इन ऑर्डर टू मैग्नीफाई और सी द इमेज और उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स मूव बैक एंड फोर्थ एकरोस द सर्फेस ऑफ द सेल्स एंड टिश्यू इसका मतलब है ये स्कैनिंग है ट्रांसमिशन नहीं है स्कैनिंग में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसमिट नहीं होते इनसाइड द स्पेसमेंट इस्पेड स्पेसमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पास नहीं होते बल्कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूवमेंट कर रहे होते हैं किसके ऊपर सरफेस के ऊपर बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर रहे होते हैं और वहीं जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की मदद से वो क्या करते हैं इमेज को रिफ्लेक्ट करते हैं और कौन सा इमेज प्रोवाइड करते हैं थ्री डी इमेज डेट इज़ थ्री डायमेंशनल इमेज मतलब इसमें जो है वो आपको लेंथ विथ और हाइट ये सारी चीज़ें एक्सटर्नली आप सब चीज़ों का मुआयना कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसमें आप क्या करेंगे जो स्पेसमेंट है उसको हैवी मेटल से कोट करेंगे और देन इलेक्ट्रॉन को पास नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन सिंपली क्या होंगे बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करे होंगे एट द सर्फेस ऑफ ऑब्जेक्ट और स्पेसमेंट जो एग्ज़ामिन किया जा रहा है ठीक है और उसमें आपको क्या नजर आएगा थ्री डायमेंशनल इमेज नज़र आएगा स्पेसमेंट का जबकि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन देखें ट्रांसमिशन है ना इसका मतलब है इसमें लाइट की ट्रांसमिशन होगी किसके अंदर होगी जो स्पेसमेंट और जो ऑब्जेक्ट हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसमिट होंगे ये दोनों में फ़र्क है जबकि स्कैनिंग में इलेक्ट्रॉन जो है वो बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कर रहे होते हैं एट द सर्फेस ऑफ द स्पेसमेंट इलेक्ट्रॉन्स बीनस पासिस थ्रू द स्पेसमेंट रादर देन स्किमिंग ओवर द सर्फेस यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्पेसमेंट के Uh, अंदर से पास किए जाते हैं ना कि सरफेस पे उनकी स्किमिंग मोमेंट होती है दैट इज़ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट हो रही होती है जस्ट लाइक इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसके अलावा स्पेसमेंट टू बी एग्जामिन शुड बी सेक्शन टू प्रोड्यूस अल्ट्रा थिन स्लाइस जिस स्पेसमेंट को ऑब्ज़र्व किया जा रहा है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप उसमें क्या किया जाता है कि उनको अल्ट्रा थिन स्लाइस में uh, जो है वो कट किया जाता है इतने थिन स्लाइसेस होते हैं फिर उनको उन्हीं थिन स्लाइस को क्या किया जाता है स्टेन आर कोटेड विथ हैवी मेटल्स क्यों हैवी मेटल से कोटेड किया जाता है टू इन्हांस द इमेज कंट्रास्ट ठीक है वो जो अल्ट्रा थिन स्लाइस हैं उनको कट किया गया है फिर उन थिन स्लाइस को क्या किया जाता है कोट किया जाता है विथ हैवी मेटल ठीक है फिर इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पास किया जाता है और वो ट्रांसमिट होता है स्पेसमेंट के अंदर जाके तो वो क्या देगा यूज़ टू सी द डिटेल इमेज ऑफ इंटरनल सेल्स क्योंकि हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्पेसमेंट के अंदर ट्रांसमिट हो रहे हैं तो वो आपको इमेज भी कौन सा देंगे इंटरनली स्ट्रक्चर्स के बारे में बताएंगे किसके सेल्स और टिश्यूज़ के जबकि ये आपको थ्री डायमेंशनल इमेज देंगे ठीक है बन ट्रांसमिशन के तो इन दोनों में ये फ़र्क है कि एक में जो है वो इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं स्पेसमेंट या जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं हम ऑब्जेक्ट जबकि दूसरे में सिर्फ़ इलेक्ट्रॉन सरफेस पे ही मूव कर रहे हैं तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा कि लाइट माइक्रोस्कोप माइक्रोस्कोप की दो अकसाम पढ़ी लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फिर हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की टू अकसाम पढ़ें कि किस तरह वो काम करते हैं ठीक है अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें और कमेंट्स भी दें ताकि मैं अपने लेक्चर्स को इम्प्रूव कर सकूँ थैंक्स